नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आज हम पोल्ट्री फार्म के टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। गर्मियाँ शुरू हो चुकी है और पोल्ट्री फार्म के अंदर या बाहर का टेम्परेचर हम देख रहे हैं कि बहुत सारा दिन में यह टेम्परेचर बढ़ता है, तो यह कैसे मेंटेन करना है और हमारे शेड को बीमारियों से कैसे दूर रखना है, तो टेम्परेचर का क्या रोल है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक यूनिट में आपको दिखा देता हूँ कि शेड का टेम्परेचर हमें दिन भर देखना है, तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट आपको मार्केट में मिल जाएगा जो शेड में कम से कम 24 घंटे में कम टेम्परेचर कितना था और ज़्यादा से ज़्यादा कितना टेम्परेचर था यह दिखाता है। हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। यह आप अगर देखेंगे हो तो हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे 45 डिग्री अभी यहाँ दिखा रहा है। उसी तरह लोएस्ट टेम्परेचर हम देखेंगे, यह मैक्सिमम टेम्परेचर है, 45 डिग्री से ऊपर है। उसी तरह हम लोएस्ट देखें तो 23 डिग्री सेल्सियस, यानी रात में 23 डिग्री तक यह जाता है। और आप सभी को पता होगा कि पोल्ट्री फार्मिंग में तकरीबन 25 डिग्री टेम्परेचर फार्म का होना ज़रूरी है 24 आवर्स के लिए, लेकिन गर्मियों में हम देखते हैं कि अभी दिन का टेम्परेचर आप यहाँ पे देख रहे 42 डिग्री सेल्सियस है, तो यह कम रखना ज़रूरी है। और यह कम करने के लिए क्या क्या उपाय योजना कर सकते हैं वह भी हमें कर लेनी चाहिए। जैसे कि हमने हमारे यहाँ पर अभी फोगर बिठाया है, तो यह फोगर हम हर घंटे में एक एक बार शुरू करते हैं, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ये फोगर शुरू करते हैं। उसी तरह शेड के बाजू में आप देख रहे होंगे कि हमने हरे पेड़ भी लगाए हैं, तो जिन किसान भाइयों ने अपने शेड के बाजू में पेड़ नहीं लगाए हैं वह किसान भाई पेड़ लगा सकते हैं, या शेड नेट का कापड़ है, शेड नेट का ये भी लगा सकते हैं, या हमारे पास जो पुरानी बोरियां है वो भी पर्दा बोल के हम उसका यूज़ कर सकते हैं, और उसके ऊपर अगर हम पानी छिड़कते हैं तो शेड का टेम्परेचर कम होने में मदद होती है। क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसका एडवर्स इफ़ेक्ट पोल्ट्री की हेल्थ पे पड़ता है और ग्रोथ पे भी पड़ता है, और उसी तरह बीमारियाँ आने के चांसेस रहते हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ऊर्जा मुर्गियों की है, वह टेम्परेचर कंट्रोल, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने में जाती है, तो उस कारण उनका वज़न बढ़ नहीं पाता, या जो मुर्गियां अंडा दे रही है उन मुर्गियों में अंडे देने का प्रमाण कम हो जाता है। इसलिए हमें हमारे शेड का टेम्परेचर जो है दिन के समय में गर्मियों में वह कंट्रोल करने के लिए यह सब उपाय योजना कर लेना ज़रूरी है। पेड़ लगाते समय ध्यान रखें कि अगर अभी आप पेड़ लगा रहे तो थोड़े बड़े पेड़ जो जल्दी से बढ़ सके और उनकी छांव शेड में हमारे रह सके। अभी देख रहे हैं आपकी दोपहर का टाइम है और हमारे शेड में किसी भी तरह की सूरज की जो किरणें हैं वह अंदर नहीं आ रही है किसी भी तरफ से, तो इस तरह शेड का डायरेक्शन भी पूर्व पश्चिम रहा तो हमारे शेड में टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है। तो जिन किसान भाइयों को नए शेड बनाने हैं उन किसान भाइयों ने पोल्ट्री शेड का डायरेक्शन जो है वह पूर्व पश्चिम रखना ज़रूरी है, ताकि शेड में टेम्परेचर अच्छा बना रहे और शेड ठंडा रखने के लिए या टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए सभी उपाय योजना हमें करनी ज़रूरी रहती है। धन्यवाद।